Hi guys, my name is Mayank and welcome to another session of Sonic Feel Online Tutorials. और आज हम बात करने वाले हैं about compressors. So what are compressors? A compressor is a very very important tool in the music production field. ये समझ लीजिए कि अगर कोई एक टूल है जो कि हेल्प करता है हमारे डेमो सॉन्ग्स को प्रोफेशनल सॉन्ग्स बनाने में, that is a compressor. And what does a compressor exactly do? A compressor helps us in controlling the dynamics of a track. डायनामिक से मेरा मतलब है द लाउडनेस ऑफ नोट्स इन म्यूजिक. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे इस वॉल्यूम में बात करूं, तो ये एक लोअर डायनामिक है और जैसे ही मैं अपनी आवाज़ बढ़ा लेता हूं और अगर आपसे इस वॉल्यूम में बात करता हूं, दिस विल बी कॉल्ड एज अ लाउडर डायनामिक्स एंड दैट्स वेयर कंप्रेसर कम्स इन. कंप्रेसर हमें इन्हीं डायनामिक्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. एंड टू बी प्रिसाइज, द कंप्रेसर हेल्प करेगा आपके लाउडर डायनामिक्स को नीचे लाने में विदाउट इवन टचिंग द क्वाइटर डायनामिक्स. सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल हियर. जैसा कि आपने ड्रम सैम्पल सुना और आपने शायद नोटिस करा होगा कि इसमें स्नेयर की वॉल्यूम बाकी एलिमेंट से थोड़ी सी ज़्यादा थी, एंड दैट्स वेयर वील यूज़ द कंप्रेसर. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर्स इन द वर्ल्ड. बहुत अलग अलग टाइप के कंप्रेसर्स होते हैं, बहुत अलग अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं हार्डवेयर कंप्रेसर्स, एंड कंप्रेसर के आपको बहुत अलग अलग प्लगइन्स भी मिल जाएंगे. बट देर आर थ्री पैरामीटर्स जिसके बिना कंप्रेसर इज इनकम्प्लीट, विच आर थ्रेशहोल्ड, रेशियो एंड मेकअप गेन. इन पैरामीटर्स को समझने के लिए हम एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स थिंक दैट कंप्रेसर इज अ फ्रेंड ऑफ आर्स. एक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है जो कि हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है, एंड उसको हम लोग अप्लाई करते हैं एक ट्रैक पे और बोलते हैं कि इनके लाउडर डायनामिक्स को कंट्रोल कर दें. एंड एट दिस पॉइंट हमारा कंप्रेसर दोस्त हमसे पूछता है कि ओके, मैं कंप्रेस तो कर दूंगा, बट कौन से वो लाउडर डायनामिक्स हैं जिसको मैं कंप्रेस करूँ. दैट्स वेयर द थ्रेशहोल्ड कम्स इन. थ्रेशोल्ड डिसाइड करता है कि कौन से पॉइंट के बाद हमारा कंप्रेसर एक्टिवेट होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं -21 सेट करता हूं अपने थ्रेशोल्ड को, दैट मींस मैं अपने कंप्रेसर को बता रहा हूं कि -21 dB के ऊपर जितने भी डायनामिक्स हैं उनको कंप्रेस कर दे, राइट? अब ये सेट करने के बाद हमारे प्यारे दोस्त कंप्रेसर का एक और क्वेश्चन है कि ओके, मैं -21 dB के ऊपर के डायनामिक्स को कंट्रोल तो कर दूंगा, उनको कंप्रेस तो कर दूंगा, बट उनको कितना कंप्रेस करना है. दैट्स वेयर रेशियो कम्स इन, राइट? एंड रेशियो डिसाइड करता है कि हमारे थ्रेशोल्ड के ऊपर जितने भी डायनामिक्स होंगे उनको कितना कंप्रेस करा जाएगा. और कभी भी आप एक कंप्रेसर के रेशियो को देखेंगे तो आपको दिखेगा दैट इट इज़ ऑलवेज इन 2:1, 5:1 और 4:1 और 10:1 काइंड ऑफ अ फॉर्मेट, राइट? अब इसका 2:1 का क्या मतलब हुआ कि हमारे सेट थ्रेशोल्ड के ऊपर, लेट्स से कि हमारे पास -21 dB है, राइट, थ्रेशोल्ड. अब इसके ऊपर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 5 dB, राइट? एंड हमने अपना रेशियो सेट कर रखा है 2:1. सो हमारे सेट थ्रेशोल्ड के हर 2 dB के इंक्रीज को वो कंप्रेस करके 1 dB बना देगा. अगर मैं अपने रेशियो को 5:1 रखूं, सो वो हर 5 dB के इंक्रीज को कंप्रेस करके 1 dB बना देगा, विच मीन्स दैट्स अ हैवी कंप्रेशन बीइंग अप्लाइड. अब देखते हैं हमारे इस ड्रम लूप का सैंपल. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमारा कंप्रेसर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है. अब हम धीरे धीरे अपने थ्रेशोल्ड को बढ़ाना शुरू करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि हमारा कंप्रेसर एक्टिवेट होना शुरू हो गया है. एंड नाउ एट -20 dB, अब ये -20 dB के ऊपर जितने भी डायनामिक्स होंगे वो उनको कंप्रेस करके उनको धीरे बना रहा है, राइट? लेट्स टेक अ लुक एट द ग्राफिकल मोड. तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे स्नेयर पे बहुत बड़ी पीक्स आ रही हैं, हमारे स्नेयर पे बहुत बहुत बड़ी पीक्स आ रही हैं,
और हमारा थ्रेशोल्ड उनको कंप्रेस कर रहा है, राइट? एंड लेट्स लुक एट द रेशियो हियर. अभी हमारा रेशियो बहुत ही कम लेवल पे सेट है. अगर मैं अपने रेशियो को 1:1 पे रख देता हूँ, दैट मींस मैं अपने डायनामिक्स को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर रहा हूँ, भले ही मेरा थ्रेशोल्ड जितने पर भी है, राइट? लेकिन मैंने उसको बोला नहीं है कि इसको इतना कंप्रेस करना है. अब जैसे ही मैं अपना रेशियो बढ़ाना शुरू करूँगा, अब आप सुन पा रहे होंगे और देख भी पा रहे होंगे कि हमारे स्नेयर की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गई है. और इनफैक्ट जैसे कि आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि हमारे रेशो की या कंप्रेसर की जो ये पीक्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. अगर मैं इसको कम करता हूँ तो फिर ये पीक्स हल्की हो जाएंगी. अगर मैं इसको और इंक्रीज करता हूँ तो ये और ज़्यादा हो जाएंगी, राइट? ओके. जैसा कि आपने देखा और सुना होगा दैट अ कंप्रेसर इज अ सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस इन जनरल. ये हमारे डायनामिक्स को कम करने में हेल्प करता है, ना ही इनको बढ़ाने में हेल्प करता है. और जब भी हम कंप्रेसर अप्लाई करेंगे, उनके पैरामीटर्स के साथ खेलेंगे, हम नोटिस करेंगे कि हमारे वॉल्यूम में हल्का सा डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम हल्का सा कम हुआ है, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमने अपने ट्रैक को बैलेंस कर रखा है, उसको गेन स्टेज कर रखा है. एंड वी वुड नॉट वॉन्ट टू डू द बैलेंसिंग प्रोसेस वंस अगेन आफ्टर द कंप्रेशन इज अप्लाइड. सो ऐसे पॉइंट पे हमारा मेकअप गेन आता है. एंड मेकअप गेन बेसिकली हमें हेल्प करता है हमारे इनपुट गेन को आउटपुट गेन से मैच करने में. तो हम लोग नोटिस करेंगे कि हमारे कंप्रेसर में जब भी एक वॉल्यूम कम हुआ है, जिसको हम लोग गेन रिडक्शन भी बोलते हैं, उसको हम लोग मेकअप गेन से इंक्रीज करके वापस इनपुट गेन इज इक्वल टू आउटपुट गेन पे ले आएंगे. सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल हियर. अब मैं अपने थ्रेशोल्ड को -25 पे सेट करता हूं और रेशियो को धीरे धीरे इंक्रीज करता हूं. अब इस पॉइंट पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारी टोन तो चेंज हुई है, बट इसके साथ साथ हमारे ट्रैक की वॉल्यूम में भी एक बड़ा डिफरेंस आया है. अगर मैं अपने कंप्रेसर को ऑफ करूं, तो आप सुन पा रहे हैं कि ये काफ़ी लाउड है, बट जैसे ही मैं अपने कंप्रेसर को ऑन करता हूं, हमारे वॉल्यूम में एक काफ़ी मेजर डिफरेंस है. अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैं मेकअप गेन को यूज़ करूँगा और इसको तब तक इंक्रीज करूँगा जब तक मेरा इनपुट लेवल इज इक्वल टू आउटपुट लेवल नहीं हो जाता. अब हम देख पा रहे हैं दैट इट्स ऑलमोस्ट इक्वल. एंड दैट्स द पॉइंट जहां पर हम अपने कंप्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट समझेंगे. सो गाइस, आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. कंप्रेसर के दो तीन और पैरामीटर्स होते हैं, लाइक अटैक, रिलीज एंड नी, जिसको हम लोग अपने आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे. प्लीज अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, सो यू कैन कमेंट. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.